दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल इस वक्त जेल में बंद है। वहीं आम आदमी पार्टी के राज्यसभा सांसद संजय सिंह ने जमानत पर जेल से बाहर आने के बाद से लगातार बीजेपी को निशाने पर लिया हुआ है। इस बीच संजय सिंह ने एक बार फिर बीजेपी पर बड़ा आरोप लगाया है, तो किन आरोपों से घिरी है बीजेपी और क्या है पूरा मामला, जानने के लिए देखिए खास रिपोर्ट। आम आदमी पार्टी के राज्यसभा सांसद संजय सिंह ने आज एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की। इस दौरान उन्होंने तिहाड़ जेल प्रशासन पर दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के साथ अमानवीय व्यवहार करने का आरोप लगाया। संजय सिंह ने कहा कि जब अरविंद केजरीवाल की पत्नी सुनीता केजरीवाल ने उनसे मिलने के लिए आवेदन किया तो उनसे कहा गया कि आप उनसे आमने सामने नहीं बल्कि खिड़की के जरिए मिल सकती हैं। सीएम की पत्नी से ऐसा अमानवीय व्यवहार क्यों? ये एक अमानवीय कृत्य है। तिहाड़ जेल प्रशासन बीजेपी के दबाव में काम कर रहा है। संजय सिंह ने दावा किया कि तिहाड़ जेल में आमने सामने मुलाकात करना आम बात है, अरविंद केजरीवाल के साथ अमानवीय व्यवहार हो रहा है। यहां तक कि खूंखार अपराधियों को भी अपने परिजनों से उनके बैरक में मुलाकात करने की इजाजत दी जाती है, जबकि दिल्ली के 3 बार के सीएम को उनकी पत्नी और पीए से विंडो बॉक्स के जरिए मुलाकात कराई जा रही है। आप नेता ने आरोप लगाया कि पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान और दिल्ली के एक सांसद की अरविंद केजरीवाल के साथ मुलाकात तिहाड़ जेल प्रशासन ने आखिरी वक्त पर रद्द कर दी। इसके पीछे सुरक्षा कारणों का हवाला दिया गया। अरविंद केजरीवाल को तोड़ने की कोशिश की जा रही है। दिल्ली के सीएम के साथ मेरी बैठक रद्द कर दी गई। ये भारतीय कानून का मजाक बनाया जा रहा है। डीवी लाइव की रिपोर्ट।